एंड गुड मॉर्निंग, आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम जीसी स्कूल। आज हम क्लास फोर्थ में सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर नंबर 5 डिवीजन ऑफ नंबर्स के आगे की सम्स आपको सॉल्व कराएंगे। कल हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सम्स कंप्लीट हो गए थे, जो हमें वेरीफाई करने थे अपने आंसर से, तो वो बच्चों हम कंप्लीट हो गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिवाइड एंड फाइंड। डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन ए। 6354 by 45, यानी हमें 6354 को 45 से डिवाइड करना है। तो हम सब डिवाइड करेंगे 45 से 6354 को डिवाइड करेंगे, और फिर हमें उसका जो क्वेश्चन आएगा वो और रिमाइंडर हमें लिखना होगा। तो 45 का टेबल तो लर्न होगा नहीं आप लोगों को, तो हम क्या करेंगे उसको, हम पहले 45 को डिवाइड करेंगे। देखिए 45 को दो डिजिट से डिवाइड करेंगे हम, ज्यादा से करते हैं ना, तो 63 में डिवाइड करेंगे। अब हमें देखना है 45 के टेबल में 63 कितने बार में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता तो उससे एक पीछे रखेंगे। डिवाइड का मेथड वही है जो हम पहले भी बता चुके हैं, बस हमारी डिजिट बढ़ गई है। पहले हम टेबल करवा रहे थे आपका 2 का 3 का 4 का, अब टेबल है 45 का, जो तो लर्न नहीं होता, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हुए डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 45 में 45 बन जा 45, तो यानी कि ये वन बार ही जाएगा। यहाँ आ गया हमारा 45। अब हम 3 से 5 माइनस भी होगा, यहां से 1 कैरी ली, 13 हो गया। 13 में से 1 कैरी हमने ली तो 13 हो गया, 13 में से 5 माइनस किया तो क्या वो आया यहाँ 8, ठीक है। और यहाँ पे कितने रह गए, जब हमने 1 कैरी ली थी तो यहाँ रह गए 5, 5 में से 4 को माइनस किया तो आया 1, 18 हो गया। 45 से 18 डिवाइड नहीं होगा तो हम 5 को यहाँ पे राइट करेंगे, हमने 5 लिखा। अब ये 145 में, अब हमें देखना है 45 में 145 कितना, 85 कितने नंबर पे, यानी टेबल कितने पर आता है। तो अगर आता है तो ठीक है, उतना ही लिखेंगे, अगर नहीं आता तो उससे एक कम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 45 वन जा 45, 45 टू जा 25 जा 10, कैरी 1, 2, 4 जा 8 और 1 90, ठीक है। अब ये हो गया 90 कम है 100, एक बार और हम देखेंगे कि इससे आगे भी जाएगा या नहीं, तो फिर हम 45 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 35 जा 15, कैरी 1, 34 जा 12, कैरी और 1 30, ये कितना आया 135, यानी 3 बार में जाएगा। कितनी बार आया, मतलब 45 3 से कितने हुए 135, एक और करके देखते हैं हम। 45 4 जा 4, 5 जा 20 की 0, कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 में 2 प्लस किया तो आ गया हमारा 18। अब देखिए 180 और ये 185, अगर इससे हम ज्यादा 5 पर करेंगे तो वो 185 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक कम पर ही रखेंगे। कितनी बार जाएगा, यानी 45 कितनी बार में गया, 185 डिवाइड किया तो 4 बार। गॉट इट, समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 180, 5 में 0 माइनस किया, यहाँ 5 आ गया, 8 से 8 गया 0 आया, यहाँ भी 0 आया। अब ये 5 से नहीं जाएगा तो हम यहाँ 4 उतारेंगे,
अब ये देखिए 45 बन जा 45 और 45 टू जा 90, 90 ज्यादा हो गए तो वन बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? वन बार। यहाँ हम लिखेंगे 45, 5 में से 4 में से 5 नहीं जाएंगे तो यहाँ हम 1 कह ही लेंगे, 14 हो गए, और 14 में से 5 गए तो कितने बचे? 9, कितने आ गए? 9। यहाँ पे 1 कैरी हमने लिया तो यहाँ 4 रह गया, 4 से 4 गया 0, यानी ये 9 जो आया वो क्या हो गया? रिमाइंडर। और ये क्या हो गया? क्वेश्चन। हमें रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालना है, तो 141 क्वेश्चन हो गया और 9 इसका रिमाइंडर हो गया। समझ में आ गया बच्चों? अब नेक्स्ट सम्स देखेंगे, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी देखेंगे, बी है 66,999 डिवाइड बाय 8,764 by 23, यानी इसको हमें 23 से डिवाइड करना है। 23 से 8,764 को डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे 23 के टेबल में 87 कितने पर आता है। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उससे एक कम रखेंगे। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 23 बन जा 23, 23 टू जा 2, 3 जा 6, 2 टू जा 4, अब 23 3 जा 3, 3 जा 9, 3 टू जा 6, अब 23 4 जा, यानी जब तक हम देखते हैं डिवाइड नहीं हो रहा तब तक हम यहाँ पे टेबल काउंट करते जाएंगे। 43 जा वो सॉरी 43 जा 12, 12 की 2 कैरी 1, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 8 में 1 कैरी प्लस किया 9, 92 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 23 4 जा 92 है और यहाँ पर हमारे पास है 87, ये ज्यादा हो गया, तो हम किस पे रखेंगे? 3 पर ही। 23 3 जा 69, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 9 माइनस हुआ, 1 कैरी लेंगे, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गए तो यहाँ आएगा 8, ठीक। अब यहाँ पे हमने 1 कैरी लिया, यहाँ रह गया 7, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ गया। अब 118 में नहीं जाएगा तो हम 6 को यहाँ पे राइट करेंगे, 186। अब हमें देखना है 23 के टेबल में 186 कितने नंबर पे आता है, या नहीं आता तो उससे एक कम में कितने नंबर पे जाएगा। तो 23 4 जा 92, 23 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 1 11। फिर अभी भी चल आगे करके देखेंगे, 23 6 जा 3 6 जा 18 कैरी 1, सॉरी 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 1 जा 6, 6 2 जा 8 और 1 9, 6 6 2 जा 12, 12 और 1 13। अब 23 7 जा 7, 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 और 2 16। अभी 180 ने एक बार और ट्राई करेंगे हम, 23 8 जा 8, 3 जा 24 की 4 कैरी 2, 8 2 जा 16, 16 में 2 प्लस किया तो 18, कितना आ गया? 184, ठीक है। यानी एक कम हुआ, 86 है हमारे पास, यहाँ पे 84 है, 184 है यहाँ, 186 है, तो इतने में जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 8, 184। 6 में से 4 माइनस किए 2 बचे, 8 में से 8 आया 0, 1 में से 1 आया 0। ये हो गया आपका
अब पूछ नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 4 को उतारेंगे, ठीक। 24 हो गया, अब ये 1 बार ही चला जाएगा, 23 वन जा 23, 24 है ये, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ 23 लिखेंगे। आप 3 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया, 2 में से 2 गया, 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आ गया और 2 से 2 माइनस किया तो 0, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1। और ये क्या आ गया हमारा क्वेश्चन। हम यहाँ पे टेबल को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और फिर आप आंसर को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक, रिमाइंडर क्वेश्चन, ऐसे हमें सॉल्व करना है। आज मैंने आपको ये समझाया है, आगे के लिए मैं होमवर्क देती हूँ, उसको आप अपने घर में करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, टुडेज होमवर्क, होमवर्क है आपका क्वेश्चन सी, 4895/87, डी है 37,453/18, ई है 98,755/75 और एफ है आपका 83,489/33। इसको आपको जैसे मैंने अभी भी बताया वैसे ही सॉल्व करना है, इन टेबलों को, इनके टेबलों को आप ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।